रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है। 6 बार मोहलत मांगी गई थी इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए और आज वो समय सीमा खत्म हो गई थी। लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। अब 21 दिसंबर को सभी पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। विष्णु शंकर जैन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी हिंदू पक्ष से, किस तरह की रिपोर्ट थी और क्या आप लोग आपत्ति है? नहीं, हमारा ये आपत्ति है कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त में ये मामला उठा था और अंजुमन इंतजामिया की वहां पे यही डिमांड थी कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद आज एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि हमने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी कॉपी हमें तुरंत प्रोवाइड की जाए ईमेल के माध्यम से, और कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 तारीख को अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। क्या दिक्कत आएगी, आ रही है आप लोगों को, अगर ये सील्ड है तो क्या पब्लिक डोमेन में जाएगी तो उसे... नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो चीज छुपाने वाली नहीं उसको छुपाने का मतलब क्या है? जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप कह दें कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये किसी को नहीं बताया जाएगा, क्या आपने इस तरह का कभी कोई बात सुनी है? कोर्ट में जो चीजें फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जब तक वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो तब तक वो सारी बातों पे बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में यही जजमेंट दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और उसके वायलेशन में आज रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जा रही है। क्या स्वरूप था रिपोर्ट का, सील्ड थी, किस तरह की थी? जब सील कवर में ही है तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं? कुछ लिस्टिंग की भी कुछ कॉपी वहां पे दी गई है, कुछ अलग से कुछ पेपर्स वगैरह और सब कहा है कि जो सर्वे के दौरान हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी लिस्ट हमने सुपुर्द की है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और उसकी जो लिस्ट की कॉपी है वो उन्होंने कोर्ट को सप्लाई किया। अब आप क्या करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है? हमने तो ये कहा है कि 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, माननीय न्यायालय के सामने आज मैंने वायलेशन पॉइंट आउट किया है और 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले पर अब 1500 पन्ने की रिपोर्ट एएसआई ने सुपुर कर दी है कोर्ट के। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील देना कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए, अब जब हिंदू पक्ष इस मामले में कह रहा है कि ये कैसी रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, दोनों पक्षों में इसको लेकर एक तरीके से तनातनी या यूं कहेंगे कि आपसी सहमति नहीं है, ऐसे में अब ये रिपोर्ट सीलबंद ही रहेगी जब तक 21 तारीख नहीं आ जाती है? देखिए, ये रिपोर्ट जो है, अब ये रिपोर्ट क्या 21 तारीख को सार्वजनिक हो पाएगी, क्या लोग इसे ले पाएंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि 21 तारीख को जज इस बात को सुनेंगे कि मुस्लिम पक्ष ने जो प्रार्थना पत्र दिया है कि लीक नहीं होना चाहिए, उस पर यह सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया है। हमारे साथ नित्यानंद राय मौजूद है जो उस वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे। तो क्या ये माना जाए कि 21 तारीख को कोई जरूरी नहीं है कि ये आप लोगों के हाथ आ जाए? देखिए, ऐसा है कि जो हिंदू पक्ष का जो दलील था उसका लब्बो लुआब ये था कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेने से, इसको पब्लिक डोमेन में डालने से आप रोक नहीं सकते हैं। तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजीरे का दलील दिया गया और कहा गया कि ये जो है कोई ऐसा नहीं है, मैट्रिमोनियल केस नहीं है, पति पत्नी के बीच का झगड़ा नहीं है कि जो है आप इसको जो है बंद कमरे में करेंगे। माना क्या जाए, किसको क्या? देखिए, कोर्ट तो मैं हूं नहीं, लेकिन यदि जो अब तक के हम लोग और जो हमारा 25-30 साल का अनुभव है उसके आधार पे पिछली बार भी था, उनकी एप्लीकेशन भी यही है कि विपक्षी को अंडरटेकिंग के साथ ये सर्टिफाइड कॉपी इसकी दी जाए। हिंदू पक्ष चाहता है कि सबको मिले, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता है कि सार्वजनिक? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका कह सकते हैं। देखिए, ये तो साबित है, बाबा का जो वहाँ पे आप पश्चिमी दीवार कह लीजिए, अब तो चीजें बहुत आगे, गंगा जी में पानी बहुत बह चुका है, लगभग साबित है कि वो औरंगजेब ने उसको तोड़ करके जो है वहाँ मस्जिद बनवाई थी, इसमें कोई इतिहासकारों में भी दो मत नहीं है। लॉरेंस, आपके पास बेहद अहम दिन, आज ज्ञानवापी मामले में इस बीच तमाम पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है।